अब आपके जहन में यह सवाल होगा कि आखिर सत्ता का सच क्या है। जी, यक्ष प्रश्न तो यही है, सत्ता का मतलब होता क्या है। तो आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसके जरिए आप शायद समझ पाए इस देश में सत्ता, सियासत, राजनीतिक चुनाव, इन सब के मायने क्या होते हैं। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। हमने लगभग लगभग 8 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देने का प्रयास किया। हर 24 घंटे 30,000 हिंदुस्तानी युवा रोजगार ढूंढने निकलते हैं। हिंदुस्तान की सरकार सिर्फ 400 युवाओं को रोजगार देती है। तो देश में सरकार चुनाव में व्यस्त है और युवा रोजगार के लिए त्रस्त है। क्या कहें, रोजगार का मुद्दा चुनावी हो चला है और जमीन से लापता रोजगार ने युवाओं को राजनीति विसात पर एक मोहरा बना दिया है कि राजनीतिक कार्यकर्ता होना ही रोजगार बन जाए। क्योंकि देश का सच तो यही है, 18 से 35 आयु के तकरीबन 36 करोड़ युवाओं की एक अदद चिंता नौकरी की है और 10 करोड़ से ज्यादा सदस्यों वाली बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार के लिए युवाओं का मतलब है युवा वोटर। मेरा हिंदुस्तान जवान है, मेरे हिंदुस्तान के सपने भी जवान है। तो ऐसे में युवा क्या करे, आज ही नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय ने इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में ये कहा। क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था उद्यमी बनने की प्रेरणा देती है? भारत में 95% स्टार्टअप या उद्यमी बनने की कोशिशें विफल हो जाती है और देश की शिक्षा व्यवस्था उन्हें कभी सवाल करना नहीं सिखाती। तो शिक्षा व्यवस्था को सुधारेगा कौन, क्योंकि सत्ता में आते ही पहले दिन नई शिक्षा नीति लाने का दावा सरकार ने किया। 4 बरस बीत गए, कोई नई शिक्षा नीति बनी नहीं। अलबत्ता स्टार्टअप इंडिया की घोषणा जरूर हो गई और देश में स्टार्टअप का हाल कल ही हमने दिखाया था और आज सरकार के हवाले से एक रिपोर्ट भी आ गई। और नए स्टार्टअप को इसलिए फंड नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो मौलिक नहीं है, ये रिपोर्ट में कहा गया। आलम यह है कि 4,000 में से सिर्फ 100 प्रोजेक्ट में ही कुछ नया आइडिया पाया गया, यानी इनोवेटिव आइडिया की कमी देश में है। यही से अगला सवाल खड़ा होता है, जब पूरा एजुकेशन सिस्टम, समाज और सरकारी ढांचा ही फेल होने की इजाजत नहीं देता तो मौलिक आइडिया आएगा कहां से? क्योंकि ध्यान दीजिए तो एक तरफ सफलता के दबाव में भारत में हर घंटे एक छात्र खुदकुशी कर लेता है और दूसरी तरफ नौकरी न मिलने के बाद हर घंटे 10 छात्र राजनीतिक दल से जुड़ रहे हैं, क्योंकि रोजगार है नहीं और सत्ता सरकार के लिए चुनाव में जीत की गवर्नेंस, जहां वो बेरोजगारों को राजनीतिक रोजगार देने के लिए तैयार करते हैं। क्या इतनी बड़ी मात्रा में बेरोजगारी उन्होंने विरासत में दी थी या नहीं? ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।